आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं सीए एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर सीए स्टूडेंट्स को जानना चाहिए एग्ज़ाम देने से पहले, जो कि एग्ज़ाम सेंटर में जाने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज में होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स एंड क्लियर हो जाएंगे सब। सो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकन का बटन है उसके ऑल वाले सेक्शन पर प्रेस करना ना भूलें। सो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम कंज्यूम किए बता देता हूँ अपडेट क्या है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आईसीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा अपडेट चेक करने के लिए। स्टूडेंट वाले सेक्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। आप जैसे ये कर देते हैं एग्जामिनेशन वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। एग्जामिनेशन सेक्शन पे क्लिक करने के बाद एग्जामिनेशन पोर्टल पे चले जाना है। सो स्टूडेंट, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर अपडेट क्या है। सो आप देख सकते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हर सीए स्टूडेंट्स को जानना है। जब इसके पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो में बताया सीए स्टूडेंट्स के बारे में कि ये आपको कंपलसरी एंड मैंडेटरी है, बट एग्ज़ाम टाइम पर अब बहुत सारे स्टूडेंट अपने स्टडी पर ध्यान दे रहे तो ना भूल जाए, इसलिए रिमाइंड करा दे रहा हूँ उनको कि देख सकते इतना ले जाना आपको एग्जामिनेशन हॉल में, इट्स कंपलसरी एंड मैंडेटरी है। सर क्या मास्क ऑन फेस, आपके पास एक मास्क होना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एक मास्क ना ले जाइए, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया आप दो ले जाइए या तीन ले जाइए। लग बाय चांस अगर आपका मास्क गिर जाता है तो भी आपके पास रहेगा ऑप्शन कि आप दूसरा यूज़ कर सके, बिकॉज आप एग्जामिनेशन टाइम में मैं नहीं चाहता कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो कि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर उसका कुछ अगर गड़बड़ी होता है तो वो स्टूडेंट हड़बड़ा जाता है और हड़बड़ी में एग्ज़ाम उसका बैड इम्प्रेशन उसके एग्ज़ाम में गिरता है। जैसे कि फर्स्ट पेपर आपका अकाउंट है और जो सेकेंड है फेस शील्ड, ये ऑप्शनल है, आप ले जाए तो भी चलेगा, नहीं ले जाएंगे तो भी। ग्लव्स ऑन हैंड, ये भी ऑप्शनल है, अगर कोई गरज नहीं ग्लव्स का, अगर आपके पास है तो प्लीज़ कैरी ऑन, नहीं है तो नो नीड। ये देख सकते हैं पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं एग्ज़ाम देने तो आपके पास एक बॉटल तो आप कैरी करेंगे ही, तो वो बॉटल कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। फोर्थ ऑफ पर्सनल स्मॉल हैंड सैनिटाइज़र, आपके पास एक हैंड सैनिटाइज़र होना कंपलसरी है। सर ये नहीं ले गए तो कुछ नहीं, ये मैंडेटरी एंड कंपलसरी, इससे क्या होगा आप एग्जामिनेशन में जैसे एंट्री मारे अंदर तो अपने हैंड को सैनिटाइज कर ले। और ये फिफ्थ पॉइंट है एग्ज़ाम रिलेटेड आइटम, इट्स कंपलसरी, क्या है सर, कैलकुलेटर। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर आप मास्क ले जा रहा भूल गए तो ख़रीद लेंगे। ग्लव्स ऑप्शनल है, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल नहीं मिला तो आप शॉप से ख़रीद लेंगे, सैनिटाइज़र में मिल जाएगा आपको। अगर एग्जामिनेशन आपका दूर लगा है और कैलकुलेटर की स्टेशनरी नहीं वहाँ पे तो आप फंस जाएंगे। सो आपको एक कैलकुलेटर कैरी करना है, स्टेशनरी आइटम लाइक पेन हो गया, पेन हो गया, जो भी स्टेशनरी से रिलेटेड मैं आपको रिकमेंड करूँगा ब्लैक पेन काफ़ी ले जाएँ, 4-5 से भी ज़्यादा ब्लैक पेन ले जाएँ। और इन केस एग्ज़ाम हॉल के बाहर किसी स्टूडेंट को पेन की ज़रूरत लगती है उसको ज़रूर हेल्प करें, क्योंकि आप भी वही एग्ज़ाम देने जा रहे जो वो दे रहा है। फ़ोटो आईडी कार्ड, सर एग्जामिनेशन अगर आपका एग्ज़ाम एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं शो कर रहा है तो कोई बात नहीं, आपको अपना एक जो एडमिट कार्ड आया है उसको डाउनलोड कर लेना है और अपना फ़ोटो आईडी और आधार कार्ड लेके जाना है, वहाँ पे आप दे देंगे हो जाएगा आपका। अगर जो स्टूडेंट माइनॉरिटी अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें कि कैसे भरना है, और मैंने पहले ग्रो नॉलेज टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है अंडरटेकिंग फॉर्म, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, चैनल पर नए हो, अगेन रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड साइड में बेल आइकन का बटन है उस पर क्लिक करना ना भूलें।